दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दिए हैं अपनी दो क्यूलेट टीवी 55 इंच और 65 इंच में। 55 इंच का प्राइस है 36,999, बहुत अच्छा प्राइस है, बट आई हैव टू से सो मैनी थिंग्स अबाउट द टीवीज एंड द ब्रांड एंड द थिंग विच इज गोइंग ऑन इन द टीवी मार्केट। दूसरा जो है वो है 65 इंच का, जिसका प्राइस है 56,990, मतलब 57,000 रुपये। आज मैं थोड़ा सा ना मैं कुछ टाइमलाइन लेके नहीं चल रहा हूँ, और ये वीडियो ज़्यादातर है अनकट ही जाने वाली है, मैं कट नहीं करने वाला, बिकॉज ना कटिंग कुटिंग में ना अपने जो हम बताना चाहते हैं वो चीज़ें निकल जाती हैं, थोड़ी वीडियो लंबी जा सकती है, 5-7 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। फीचर्स तो बताऊँगा ही टीवी के, लेकिन थोड़ा सा ना मार्केट में क्या चल रहा है उसमें जरूर बताऊँगा कि हर किसी को ना होड़ लगी है, आप कुछ इनोवेशन लेके आइए तो हम जाने। अब बहुत अच्छी बात है क्यूलेट लेके आया, बहुत अच्छी बात है गूगल टीवी आया, मजा कर दिया, बेजरलेस जैन आए हाय, लेकिन वी ऑलरेडी हैव टीवीज क्यूलेट टीवीज इन द प्राइस सेगमेंट। और गूगल टीवी चलो बढ़िया है, क्यूलेट टीवी में ब्लॉकन की है, कोडेक की है और थॉमसन की भी है, चलो एक नया ब्रांड है सैमसंग, इन्फिनिक्स की भी क्यूलेट है, ठीक है गूगल टीवी नहीं है उनकी। कुछ नए इनोवेशंस लाइए, हैंड्स फ्री कंट्रोल लाइए, मे बी बिल्ट इन कैमरा फॉर ऑडियो कॉलिंग, मे बी समथिंग एल्स, या हायर मी एज अ टेक्निकल एडवाइजर, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो टीवी मार्केट में। अच्छा प्रोसेसर लाइए जो कि घटिया से एंड्रॉयड को, यस आई एम सेइंग इट, घटिया से एंड्रॉयड को जो कि ढंग से चलता तक नहीं है उसको अच्छे से चला देगा, एक अच्छा प्रोसेसर लगाएंगे आप तो। पेंटोनिक लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2023 में, आई एम एक्साइटेड, जो दिसंबर निकले ना मैं बड़ा खुश होने वाला हूँ, क्योंकि जो पेंटोनिक है जो नया प्रोसेसर आएगा जो लगभग अब सभी टीवी में आने वाला है नेक्स्ट ईयर से, वो काफ़ी फास्ट है, और टीवी के मार्केट में A53 और ये कॉर्टेक्स K73 चले ही जा रहे हैं भैया, सालों से कोई मतलब ही नहीं है किसी को, और गूगल भी कुछ खास ध्यान नहीं, गूगल यू आर नॉट लुकिंग इन टू योर TV OS, आज भी हैंग करता है, आज भी लैग करता है, नेटफ्लिक्स खोलने में साला 25 सेकंड लग जाते हैं यार जब आप उसको नेटफ्लिक्स का बटन दबाते हैं, तो ये टीवी मैन्युफैक्चरर्स की गलती नहीं है, बट टीवी मैन्युफैक्चरर्स के पास ऑप्शन क्या है, ब्रिंग फायर TV OS या फिर कुलटा OS इज डूइंग गुड, बट उनके पास इतना अच्छा स्मार्ट नहीं है वो, एप्पल तो देगा नहीं अपना OS, तो फायर टीवी ला सकते हो या फिर कोई और OS बना सकते हो, या फिर गूगल टीवी चलो कम से कम लाया, बहुत बढ़िया चीज़ है, इनका जो रिमोट है उसमें आपको एक एडिशनल हॉटकी मिल जाती है, इसको आप मैप कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, उसे जहाँ क्रेडिट ड्यू है ना वहाँ मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन प्राइस के गेम में अगर आपने इस सेगमेंट में क्यूलेट टीवी 55 इंच लॉन्च करना ही था ना, तो मुझे लगा प्राइस के गेम में खेलेंगे, प्राइस भी 37,000 रुपये, ऐसा कुछ खास नहीं कम कर रहे हो आप कस्टमर्स के लिए, तो कोई बंदा सैमसंग की टीवी ले लेगा 40-42 हज़ार में, या फिर इन्फिनिक्स क्यूलेट भी अवेलेबल है जो वेल मतलब इससे तो ज़्यादा रेपुटेड ब्रांड है, आई थिंक सैमसंग का भी बहुत पुराना ब्रांड है, मैं मानता हूँ सैमसंग इज अ ग्रेट, सैमसंग मेक्स ग्रेट टीवीज, हम बहुत सालों से बचपन से बना रहा है टीवी, इंडियन ब्रांड है आई थिंक, और बढ़िया बनाता है टीवी, और ये टीवी अच्छा ही है ये बात मैं मानता हूँ, बट मार्केट में कहाँ लॉन्च कर रहे हो आप टीवी को वो देखिए, आपके उस प्राइस सेगमेंट में हम कहाँ से हम बेटर निकल के आएंगे अगली टीवी से। इन्फिनिक्स क्यूलेट आई थिंक 37-38 हज़ार में मिल जाती थी, अभी भी मिल रही है आई थिंक 34-35 की भी बिकी है वो टीवी। चलो टीवी पर आते हैं, गूगल टीवी मिलेगा आपका फीचर नहीं है, गूगल ग्रेट फीचर है, क्यूलेट टीवी ही है आपका फीचर है, गूगल असिस्टेंट ऑब्वियसली 10,000+ एप्स एंड गेम ये फीचर नहीं है, ये प्ले स्टोर वाली बात है। लोगों को आज भी कन्फ्यूजन है, ये सैमसंग की गलती नहीं है, लोगों को आज भी कन्फ्यूजन है कि गूगल टीवी समथिंग डिफरेंट, इट इज नॉट एन एंड्रॉयड टीवी, तो हमारे एंड्रॉयड के ऐप्स नहीं चलेंगे, ना सर जी ऐसी बात नहीं है, एंड्रॉयड के सारे ऐप्स गूगल टीवी में चल जाते हैं सबसे पहली बात, और CA53 को एडकोर प्रोसेसर वही घिसा पिटा अपना ट्राइड एंड टेस्टेड, भैया कुछ पेंटोनिक आजा भाई, पेंटोनिक क्यों परेशान कर रहा है अब। रेजरलेस डिजाइन इसमें आपको मिलती है, बिल्ट इन क्रोमकास्ट है, DTS स्टूडियो साउंड मिल जाता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, 20 वॉट के स्पीकर्स के साथ में, पहले तो मुझे आज जानना है हाय हेलो क्या हाल है आपके, 20 वॉट के स्पीकर पे यही नहीं है 500 और टीवी हैं जिनको आपने सर्टिफाई किया डॉल्बी एटमॉस के साथ में, 20 वॉट के स्पीकर पे बहुत बढ़िया, जयराम जी की सरकाज़म समझ जाना बस। दोस्तों इस टीवी के साथ आपको मिल जाती है 2 साल की वारंटी, वैसे तो 2 साल की वारंटी इनफ रहती है, लेकिन अगर आप 5 साल तक एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो गो वारंटी के जरिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। गो वारंटी इज अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस जो बेसिकली आपके हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, होम अप्लायंस, टीवी, मोबाइल, हर चीज़ की वारंटी को एक्सटेंड करते हैं और 5 साल तक एक्सटेंड कर देते हैं बेसिकली। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी एंड गो वारंटी विल
फिक्स योर डिवाइस विद ऑफिशियल जेन्युइन पार्ट्स एंड जेन्युइन सर्विस होगी, सब कुछ जेन्युइन रहेगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो लिंक पे, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, उनका फोन नंबर भी है, वहाँ से कॉल करके उनसे आप बाकी चीज़ें भी पूछ सकते हो। कुछ ऐप्स के फोटोज दिए हुए हैं, जस्ट आस्क गूगल वाला, वो ये सीन, गूगल टीवी इज़ बेसिकली वेरी गुड देन एंड्रॉयड, ये मैं कहता हूँ बात, लेकिन इट इज स्टिल नॉट परफेक्ट। इट इज टेक्निकली एंड्रॉयड टीवी विद अ बेटर स्किन आई थिंक। वैसे एक चीज़ उन्होंने इसमें बहुत अच्छी करी है, जैसे कि 2 GB की रैम डाली है और 16 GB की स्टोरेज डाली है, तो एटलीस्ट कुछ तो फास्ट रहेगा टीवी, क्योंकि एंड्रॉयड ने तो भैया बेड़ा गर्क कर रखा है स्लोनेस के मामले में। वैसे वीवो ने एक वीडियो बनाई है एंड आई लाइक दैट गाइस, इसने इतनी मस्त वीडियो बनाई है जो मेरी भावनाओं को व्यक्त करता है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर। मेरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं माना मैंने, उसका तो 10 लाख 20 लाख वाला प्लेटफॉर्म है ना सब्सक्राइबर का, तो वो जब बात को कह रहा है तो बहुत रिसर्च करता है। और आई टोटली एग्री विद वीवो, उन्होंने बहुत सारी बात बताई कि एप्पल टीवी का OS इज अमेजिंग। आई मेड अ वीडियो अबाउट इट, एप्पल टीवी 4K की मैंने वीडियो बनाई थी एंड द OS वाज सिंपली मक्खन भैया, मजा ले क्या लैग कर जाए। तो मैं तो भैया 1 घंटे ऑन एंड ऑन बोलता चला जाऊंगा, बट इस टीवी के बारे में बता दूं, दिस टीवी इज ग्रेट। 4-5 ऑप्शन हो गया हमारे पास, इसको साइड में करते हैं। इनफ्रेस क्यूलेड, ग्लोपॉन क्यूलेड, थॉम्सन क्यूलेड, उसके बाद सैमसंग का क्यूलेड, उसके बाद व्यू का क्यूलेड, और फिर सैमसंग क्यूलेड तो बहुत महंगे आ जाते हैं, तो 30-40 से 50 हज़ार की रेंज में ये 4-5 क्यूलेड आ रहे हैं। सैमसंग अपना नाम बना पाता है कि नहीं, ये तो टीवी आने की बात पता, क्योंकि मैं ब्रांड को रिव्यू नहीं करता, मैं टीवी को रिव्यू करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन मेरे पास टीवी तो है नहीं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं टीवी खरीद पाऊँ, तो सैमसंग वालों टीवी भिजवा दो। रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और करेंगे कोशिश क्या, पूरा रिव्यू करेंगे और इन्फिनिक्स क्यूलेट भी हमारे पास कंपेरिजन करेंगे, अच्छी होगी तो हम जरूर आपको अच्छा बताएंगे। लेकिन जो ऑन पेपर बात होती है, वैसे मैं पेपर पे ज़्यादा बात नहीं करता, नहीं फीचर्स को देख के, मैं सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था, क्योंकि टीवी मार्केट में 500 टीवी में ज़्यादा फर्क होगा नहीं, वही 19-20-21 का ही फर्क रहता है। और वैसे बाकी जो सैमसंग के अलावा बाकी सब टीवी है ना 60 वॉट के स्पीकर, 40 वॉट के स्पीकर, ऐसे स्पीकर्स के साथ आती हैं। ब्लॉपन में शायद 60 वॉट का स्पीकर लगा हुआ था, एक में तो 100 वॉट का भी लगा हुआ था, व्यू ग्लोलेट में 100 वॉट का, वैसे वो क्यूलेट नहीं थी। तो वही बात है कि व्हाट आर यू डूइंग सैमसंग, आपको या तो टीवी भिजवा के क्लियर करना पड़ेगा या फिर मुझे खुद खरीदनी पड़ेगी, या फिर आप प्राइस कम कीजिए। मेरे हिसाब से आई थिंक 33,000 का मिला, 33,999 वुड हैव बीन ग्रेट फॉर दिस टीवी। मैं मतलब बहुत, मैं ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव वीडियो, बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाई है सर, मैं बिलीव मी सैमसंग ब्रांड बहुत अच्छा है और जाने कितनी अच्छी टीवी बनाते थे बचपन से, मेरे घर में सैमसंग का टीवी था। इट जस्ट दैट कि आप मार्केट में कहाँ और किस प्राइस पर लॉन्च करें वो वाली बात है, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह भी दे देते तो 33,999 में टीवी अमेजिंग होता, वैसे अभी भी अमेजिंग है टीवी, तो बस प्राइस का थोड़ा सा देख लेना और कंपेयर कर लेना। बाकी फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, बाकी व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो। Thank you for watching. Bye-bye.